Welcome to my channel Mathsomatic makes math easy. Today we will study class 9 chapter 9 areas of parallelogram and triangles. Exercise 9.1 all question solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 9.1. First question क्या कहता है देखिए यहाँ पे कहता है which of the following figures lie on the same base and between the same parallels. In such a case, write the common base and the two parallels. यहाँ पे जो दिया हुआ figures है, इन दिए हुए figures में से हमको बोलना है कि कौन सा figure मेरा same base और same parallel में आ रहा है, और जो भी figure मेरा same base और same parallel में आ रहा है, वहाँ पे हमको वो जो same base है, यानी कि जो common base है, उसका नाम लिखना है, और जो parallels है, उसका भी हमको नाम बताना है. कैसे होगा आइए चेक करते हैं. ये है मेरे पास एक्सरसाइज 9.1. यहाँ पर देखिए मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है. ओके तो देखिए यहाँ पर है मेरे पास दो फिगर. एक है मेरे पास देखिए फिगर ए बी सी डी, यानी कि ये वाला जो फिगर है जो बाहर में दिया हुआ है ए बी सी और डी. और मेरे पास यहाँ पे एक और फिगर है जो कि है मेरे पास ट्राइंगल पी डी सी जो भीतर में दिया हुआ है. देखिए ये वाला ट्रायंगल PDC. तो यहाँ पे कहता है फिगर्स ए बी सी डी एंड PDC लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरल्स. तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है, ये वाला हो गया है मेरा बेस यानी कि DC. देखिए जो ट्रायंगल है वो भी मेरा इसी बेस में है, और जो ये मेरा फिगर है ए बी सी डी वो भी मेरा इसी बेस में है जो कि है DC. देखिए कॉमन बेस क्या हो गया है, कॉमन बेस मेरा हो गया है DC. ओके अब कॉमन पैरल्स क्या है, ये वाला हो गया है मेरा पैरल इसके साथ ये वाले के साथ. तो कॉमन पैरल्स क्या हो गया है, कॉमन पैरल्स यानी कि जो दो पैरल्स है वो मेरा हो गया है AB और DC. देखिए टू पैरल्स मेरा हो गया है AB एंड DC. ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉमन बेस और जो टू पैरल्स है यानी कि जो सेम पैरल्स है उसको निकाल लिए. अब देखिए फिगर नंबर 2, यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये वाला फिगर जहाँ पे एक है मेरा फिगर PQRS और एक है मेरे पास MNRS. तो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है एक है PQRS एक है MNRS. तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो PQRS है और ये जो MNRS है ये क्या है, ये दोनों ही एक ही बेस में है यानी कि SR यहाँ पर बेस है, यानी कि सेम बेस से मेरा दो फिगर निकला है PQRS और MNRS. ठीक है देखिए लिखता है फिगर PQRS एंड MNRS लाई ऑन सेम बेस, यानी कि जो बेस है SR उसी बेस में मेरा PQRS भी है और MNRS भी है, लेकिन बट डज नॉट लाई बिटवीन सेम पैरल्स. ये जो दोनों फिगर है PQRS और MNRS ये सेम बेस में तो है लेकिन इसका जो पैरल्स है वो सेम नहीं है. क्यों, देखिए ये वाला मेरा बन गया है पैरल किसके साथ, ये वाले के साथ. ठीक है तो ये दोनों हो गया पैरल PQ और SR हो गया है पैरल, लेकिन MN जो है वो तो PQ में टच नहीं हुआ है इसलिए MN तो अलग है. तो हम कह सकते हैं कि जो सेम पैरल है उसमें मेरा ये दोनों फिगर नहीं है. अगर ये वाला जो MN है ये M से लेके N तक अगर P से लेके Q के बीच में होता तो हम लोग कह सकते थे कि दोनों का पैरल्स भी सेम है, लेकिन फिगर PQRS में पैरल्स क्या है, ये वाला हो गया है मेरा पैरल्स यानी कि PQ और SR, और फिगर MNRS में पैरल क्या है, इसमें पैरल हो गया है MN और SR. ठीक है तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला पैरल है और यहाँ पर ये वाला पैरल क्योंकि सेम नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि PQRS एंड MNRS लाई ऑन सेम बेस SR बट डज नॉट लाई बिटवीन सेम पैरल्स. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये वाला फिगर जहाँ पे देख सकते हैं कि हमको दिया हुआ है एक ट्रायंगल RTQ और एक दिया हुआ है हमको PQRS. देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास RTQ एक ट्रायंगल. तो ध्यान से देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो RTQ है इसका बेस क्या है, इसका बेस है मेरा ये वाला QR, और ये वाला जो फिगर है मेरे पास PQRS इसका भी मेरे पास बेस क्या है PR, इसका भी मेरे पास बेस क्या है QR. तो दोनों ही फिगर में मेरा जो बेस है वो क्या है QR है. यहाँ पे लिख सकते हैं देखिए फिगर RTQ एंड PQRS लाई ऑन द सेम बेस एंड
बिटवीन द सेम पैरल्स, यहाँ पे कॉमन बेस मेरा हो गया है आर क्यू, जो कि यहाँ से निकाल लिए थे हम लोग, और यहाँ पर टू पैरल्स क्या है, यहाँ पर ये वाला हो गया है मेरा पैरल किसके साथ, ये वाले के साथ, तो यहाँ पर देखिए ये मेरा हो गया है टू पैरल्स, यानी कि ट्रायंगल के लिए भी ये वाला जो पी एस है वो मेरा पैरल हो गया था क्यू आर के साथ में, और ये वाला जो फिगर है पी क्यू आर एस वहां पर भी पी एस जो है वो मेरा पैरल हो गया है क्यू आर के साथ, यानी कि जो टू पैरल्स है वो मेरा हो गया है क्यू आर पैरल टू पी एस। ओके, ये है नंबर फोर। यहाँ पे हमको दिया हुआ है दो फिगर ए बी सी डी और पी क्यू आर, तो पी क्यू आर जो है वो मेरा हो गया है ट्रायंगल, जो कि ये वाला दिया हुआ है पी क्यू आर, और ए बी सी डी मेरा हो गया है जो बाहर में फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ट्रायंगल है उसका बेस क्या है, देखिए ट्रायंगल का बेस है मेरा पी क्यू, ये मेरा हो गया ट्रायंगल का बेस, लेकिन जो फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी उसका बेस क्या है, उसका बेस हो गया है देखिए बी से लेके सी तक, तो क्या मेरा बेस सेम है, इसलिए यहाँ पर कहता है कि पी क्यू आर एंड ए बी सी डी डज नॉट लाई ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों सेम पैरल्स में है, ये वाला है मेरे पास पैरल और ये वाला है मेरे पास पैरल, ठीक है ना, तो दोनों ही मेरा सेम पैरल्स में है, लाई बिटवीन द सेम पैरल्स, बट इनका जो बेस है ये अलग अलग है। नंबर फाइव, यहाँ पर हमको दिया हुआ ये वाला फिगर, जहाँ पे कहता है फिगर ए बी सी डी एंड ए पी क्यू डी, ये वाला हो गया मेरे पास दो फिगर ए बी सी डी एंड ए पी क्यू डी, तो देखिए ये वाला जो मेरे पास फिगर है ए बी सी और डी, ये क्या है, ये मेरा हो गया है एक फिगर, और सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर दूसरा फिगर है वो हो गया है फिगर ए पी क्यू डी, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर दो फिगर मिल गया जैसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, ये दोनों ही फिगर में ये वाला जो बेस है ये क्या है, ये कॉमन है ए डी, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि फिगर ए बी सी डी एंड ए पी क्यू डी लाई ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, और कॉमन बेस क्या है, जो सेम बेस है वो हो गया है ए डी एंड बिटवीन सेम पैरल्स, तो ये वाला हो गया है मेरा एक पैरल किसके साथ, ये वाला हो गया है पैरल मेरा इसके साथ, देखिए दोनों ही मेरा सेम पैरल्स में है, इसलिए मेरे पास जो टू पैरल्स है वो मेरा हो गया है ए डी एंड बी क्यू, ये देखिए ये मेरा हो गया है ए डी पैरल टू बी क्यू। ओके, इस तरीके से ये मेरा हो गया है टू पैरल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है फिगर सिक्स, इस तरीके का फिगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे कहता है कि फिगर्स ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, देखिए ये वाला हो गया है ए बी सी डी और ये वाला हो गया है पी क्यू आर एस, ये कहाँ पे है आइए चेक करते हैं, ये वाला हो गया है मेरे पास फिगर ए बी सी डी और ये वाला हो गया है मेरे पास फिगर पी क्यू आर एस, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर जो बेस है क्या सेम है, यहाँ पर बेस मेरा सेम नहीं है, ये वाला जो फिगर ए बी सी डी है उसका बेस मेरा हो गया है ये वाला, देखिए सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा हो गया है इसका बेस, लेकिन ये वाला जो फिगर है पी क्यू आर एस उसका बेस क्या है, उसका बेस मेरा हो गया है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी कि एस आर, तो क्या बेस सेम है, बेस सेम नहीं है, फिगर्स ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस डज नॉट लाई, क्या कहता है देखिए डज नॉट लाई ऑन सेम बेस, ये सेम बेस पे लाई नहीं करता है, बट लाई ऑन और लाई बिटवीन सेम पैरल्स, ये मेरा सेम पैरल्स में लाई कर रहा है, लेकिन ये मेरा सेम बेस में लाई नहीं कर रहा है, देखिए इसका पैरल्स कहाँ पे है, ये वाला हो गया है मेरा इसका पैरल्स, देखिए ये सेम पैरल्स में तो है लेकिन इसका जो बेस है दोनों अलग अलग है, इसलिए कहता है कि ए बी सी डी एंड बी क्यू आर डज नॉट लाई ऑन सेम बेस, ये मेरा सेम बेस में लाई नहीं करता, बट लाई ऑन और लाई बिटवीन सेम पैरल्स। ओके, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा फिगर मेरा सेम बेस में लाई करेगा और कौन सा फिगर मेरा सेम पैरल्स में लाई करेगा। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।